अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं हूं फौजिया हशमत। आज मैं आपके लिए बहुत मजे की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। ये है चिकन पुलाव बिरयानी। तो सबसे पहले हम चिकन को मसाला लगा के 1 घंटे के लिए रख देंगे। तो ये मेरे पास है एक छोटी मुर्गी, तकरीबन एक किलो, और ये है लहसुन अदरक का पेस्ट 2 बड़े चम्मच, ये दही का 1 कप है, और ये बिरयानी मसाले के 2 चम्मच है ये वाले खाने के, और ये 4-5 दाने आलू बुखारे के हैं, और ये है 1/2 लीमू। ये मैं लगा के इसको चिकन को 1 घंटे के लिए रख दूंगी, उसके बाद फिर पुलाव बनाएंगे। सबसे पहले मैं इसमें ये डाल रही हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट, ये 2 बड़े चम्मच, अब ये मेरे पास है आलू बुखारा, और ये 1/2 लेमन का, इसको इस तरह आपने ऊपर, और ये मेरे पास है दही, इसमें मैं ये मिक्स कर रही हूँ बिरयानी मसाले के ये वाले 2 चम्मच, ऐसे भर के मैंने ये 2 चम्मच खाने वाले। और अब इसको मैं कवर करके 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख रही हूँ, क्योंकि गर्मी है, बाहर खराब हो जाएगा। फिर 1 घंटे बाद आप ज्यादा टाइम के लिए भी रख सकते हैं, ये कोई ऐसा इश्यू नहीं है, 2 घंटे के लिए भी रख सकते हैं। तो मैं इसको 1 घंटे के लिए फिलहाल फ्रिज में रख रही हूँ, फिर पुलाव शुरू करते हैं। ये चिकन को 1 घंटा मैंने मसाला लगा के रख दिया था फ्रिज में। अब ये कढ़ाई में मैं सबसे पहले डालूंगी ऑयल, ये 1 बड़ा कप ऑयल का है मेरे पास। तो अब बिरयानी में मैं कुछ खास नहीं डाल रही, इसमें मसाला सारा मैंने इसको लगा दिया था, लहसुन अदरक का पेस्ट, सब कुछ, दही, आलू बुखारा और लहसुन बिरयानी मसाला। मेरे पास ये 2 बड़े प्याज हैं कटे हुए, और ये 2 टमाटर हैं, इनको मैंने मैश कर लिया अच्छी तरह, और मसालों में सूखा धनिया, जीरा, काली मिर्च और नमक, और लाल मिर्च का 1/2 चम्मच मैं डालूंगी इसमें, जो रूटीन के मसाले हैं वही डालूंगी इसमें। बिरयानी मसाला मैंने इसको लगा दिया था चिकन को। अब मैं कढ़ाई में सबसे पहले प्याज डाल रही हूं, प्याज को मैंने ब्राउन नहीं करना है, क्योंकि ये पुलाव बिरयानी है, इसका सॉफ्ट नहीं करना मैंने प्याज, इसको मैं ब्राउन करूंगी अच्छी तरह। बहुत मजे की है, बहुत मजे की बनती है, आपने ट्राई जरूर करनी है। ये प्याज हमारा ब्राउन हो गया, ये देखें। अब मैं इसमें डालूंगी ये जो चिकन मैंने इसमें मसाला लगा के रखा हुआ था, ये 1 किलो के करीब मेरे पास चिकन है, और चावल में इसमें 1 किलो नहीं डाल रही, मैंने 2 बड़े कप चावल के हैं मेरे पास। जरूरी नहीं है कि अगर आपके पास 1 किलो चिकन है तो आप 1 किलो ही चावल इसमें डालें, मैं थोड़े से कम डालती हूँ चावल। अब मैं इसमें डालूंगी नमक 2 चम्मच, ये
ये 2 चम्मच मैंने नमक के डाल दिए खाने वाले, 1/2 चम्मच में लाल मिर्च का डाल रही हूँ, ये है सूखा धनिया और जीरा पिसा हुआ, ये साबुत जीरा है ये मैं डाल रही हूँ 1/2 चम्मच, 1/2 चम्मच ही मैं काली मिर्च का डालूंगी इसमें। ये मसाले चले गए हैं, लाल मिर्च भी डाल दी, हरी मिर्चें हम एंड पे दम में डालेंगे इसमें। अब ये मेरे पास थे 2 टमाटर, इनको मैंने अच्छी तरह मैश कर लिया क्योंकि ये मेरे पास फ्रीज हुए हुए थे, अगर आपके पास फ्रेश हैं तो आप वैसे काट लें। मैं इसको 10 मिनट के लिए ऊपर से कवर कर रही हूँ ताकि चिकन की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए, सारा अच्छी तरह मसाले उसके अंदर टेस्ट आ जाए। 10 मिनट बाद फिर इसको अच्छी तरह भून के फिर मैं इसमें पानी डालूंगी। ये देखें चिकन का कितना खूबसूरत कलर है। अब मैं इसमें डालूंगी पानी, तो मैंने बहुत अच्छी तरह ये देखे भून गए। तो आपने मेरे पास ये 2 ग्लास चावलों के हैं, मैं इसमें 4 ग्लास पानी के डालूंगी। मैं थोड़े से सॉफ्ट चावल बना रही हूँ आज इसलिए 4 ग्लास डाल रही हूँ। अगर आपको थोड़े से ऐसे ऐसे नहीं पसंद है आप चावल, आप इसमें 3 ग्लास ऐसे डालने चाहिए पानी के, क्योंकि मेरे पास 2 ग्लास हैं चावल, मैंने 3 ग्लास डाल दिए इसमें। अब जब ये पानी थोड़ी देर पक जाएगा फिर उसके बाद मैं इसमें चावल डालूंगी। ये यखनी अच्छी तरह पक गई, अब मैं इसमें डालूंगी चावल। चावलों को मैंने अच्छी तरह धो के इस टोकरी से पानी निकाल दिया उनका। मैं इसको ऊपर से कवर कर दूंगी, ये जब पक जाएंगे फिर इसको मैं दम दूंगी। ये देखें चावल हमारे, अब मैं इसको दूंगी दम। बहुत मज़े के मैंने नमक इनका चेक कर लिया, बिल्कुल ठीक है। अब मैं इसके ऊपर ये डालूंगी आंच, आपने बिल्कुल स्लो कर देनी है। ये मेरे पास है हरा धनिया और पुदीना, और ये मेरे पास 3-4 कटी हुई हरी मिर्चें और कुछ साबुत हरी मिर्चें, ये मैं डालूंगी ऊपर। और ये मेरे पास है कलर, मैं फूड कलर डाल रही हूँ। ये मेरे पास है कलर, रेड कलर है ये, एक लाइन में रेड कलर की डाल रही हूँ। और ये दूसरा है मेरे पास येलो कलर, एक लाइन में येलो कलर की डालूंगी। अब इसको मैं 10 मिनट के लिए दम पे रखूंगी, 15 मिनट के लिए, तो फिर इसको डिश आउट करेंगे। इसको 15 मिनट मैंने दम दिया है, अब मैं देखूंगी। बिस्मिल्लाह, ये
ये देखिए बहुत मजे है। अब मैं इसको डिश आउट करूंगी। ये पुलाव बिरयानी तैयार है, बहुत मजे की है, मैंने टेस्ट की है। आपने इसको ट्राई जरूर करना है और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कैसी बनी। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।